जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ये मेरा सेट नंबर 6 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो सबसे पहले क्षार धातु में जिसको रखा गया है वो है मेरा हाइड्रोजन। क्या है वो? है मेरा हाइड्रोजन। दूसरी बात ये हाइलोजन के साथ भी व्यवहार करता है क्योंकि इसका वैलेंसी एक होता है। और जो हाइलोजन होता है, हाइलोजन वो साथ फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, यानी हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का फुल फॉर्म क्या होता है? NPR जो जनगणना इस समय हो ही रहा है, जाति जनगणना, तो NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तीन नंबर को, निम्नलिखित में किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन? अरे PM किसान सम्मान निधि की घोषणा कौन करेगा भाई? तो नरेंद्र मोदी करेंगे, और कौन करेंगे? और PM साहब करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेल, पहली बार एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में हुआ था, दूसरी बार 1982 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस, एक माइक्रो फाइनेंस की सर रुपया पैसा से रिलेटेड होता है, तो ये आपका वित्तीय सेवा है। क्या है? एक वित्तीय सेवा है। 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो राजकिरण राय। कौन है? राजकिरण राय। साका दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा यही बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। कहा किसके द्वारा? बौद्ध धर्म द्वारा। संगीत द्वारा 18वें संगीत नाटक अकेडमी अखम लक्ष्मी देवी जीती थी, जैसा कि सबको जानता है लोग। 18 का करंट अफेयर पूछा था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा नापते हैं लोग। बिहू आ बिहू असम के में मनाया जाता है। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ हैं? तो 2 पथ निर्मित होता है। कितना? 2। संवाहक रूप में मतलब एक फ्लोयम होता है, एक जाइलम होता है। फ्लोयम खाना को चारों ओर भेजता है, और जो जाइलम होता है वो पानी खनिज लवण को नीचे से ऊपर भेजता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हरित क्रांति में किसके उत्पन्न? हरित क्रांति में गेहूं पर ऑब्वियसली यार। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना से याद किया। 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 था, तो 11वीं कितना? जो 7 से 12 हो जाएगा, तो 10वीं कितना हो जाएगा? 2 से 2007 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद बनाए थे, की स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हुई थी। कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला जो मैदान है। शॉर्ट पुट में शॉर्ट जो एक धातु की गेंद है, पुरुष और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना होता है? शॉर्ट पुट में पुरुष 7.26 kg होता है, और महिला के लिए 4 kg होता है। UPSC के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख जैसे मूल कर्तव्य है, देश की सेवा करने मूल कर्तव्य में आता है, आपका कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य 2 वर्ष की आयु तक बच्चों को टीकाकरण उपलब्ध कराना है। कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तो निजी क्षेत्र होगा, हमारा जो मेडिकल का जो शॉप होता है, तो देखते हैं लगभग सब सारे क्या बोलते हैं प्राइवेट क्षेत्र ही चलाता है। जैसे कि मान लेते मेरा दुकान हो गया, उसका दुकान हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर में आता है ये सब। लगभग 100 दुकान होगा तो उसमें से 90 दुकान केवल प्राइवेट सेक्टर का होगा, किसी अपना आदमी का होगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। इसी तरह आप सब हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।